इंडिया के 5 ऐसे लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवीज जो हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। पहले नंबर पे आ जाती है शक्तिमान। शक्तिमान एक ट्रायलॉजी होने वाली है जिसका अनाउंसमेंट हमें सोनी पिक्चर्स वालों ने 2022 में ही कर दिया था, मगर उसके बाद अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिला है। सेकंड नंबर पे आती है द इमोर्टल अश्वत्थामा। विकी कौशल एंड समंथा शायर ये सुपर हीरो मूवी काफी समय से प्रोडक्शन में थी। बजट कम पड़ने की वजह से इस मूवी का काम बीच में ही रोक दिया गया था, मगर ब्रह्मास्त्र की सक्सेस को देखते हुए इस मूवी पे फिर से काम चालू किया गया है। थर्ड नंबर पे आ जाती है यशराज फिल्म्स की अनटाइटल मूवी, जिसमें हमें अजय देवगन और आहन पांडे दिखने वाले हैं। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं शिव रावेल। हाँ, आपने नाम तो नहीं सुना होगा क्योंकि ये मूवी इनकी डेब्यू मूवी होने वाली है। फोर्थ नंबर पे आ जाती है इंडियन कॉमिक्स का फेमस सुपर हीरो रक्षक। रक्षक के राइट्स 2019 में ही संजय गुप्ता ने खरीद लिए थे, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने वाले हैं। पांचवें नंबर पे आ जाती है प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स से दो मूवीज आने वाली है। पहली आ जाती है अधीरा और सेकंड नंबर पे आती है हनुमान। हनुमान नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है। देखते हैं इस मूवी पे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का, और आप किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक